Hi. Today's session would be about life insurance claim settlement. Life insurance का claim settlement हम कैसे करें? इसके लिए हमें चाहिए होता है original policy का document. Nominee है जो भी आपका claimant या beneficiary है, they need to prove कि वो legal heir है, तो उसके लिए जो भी उनके जो deceased थे, जिनकी death हो गई थी, उनकी एक will की copy लगती है, और अगर will की copy नहीं है, तो जो भी succession laws होते हैं to prove that you are legal heir, that is required. ब्राउनी की भी ओपिनियन आ रही है, ब्राउनी आप हेलो कर दो, बिकॉज वी रन अ स्मॉल एनजीओ वेयर वी हेल्प दीज रेस्क्यूड स्ट्रे एनिमल्स, सो ब्राउनी इज वन ऑफ देम. आई कैन नॉट इंक्लूडेड हर इन आवर वीडियो राइट नाउ, शी इज बिजी. थर्ड टॉपिक, इफ क्लेमेंट इज अ नॉमिनी, यानी कि जो क्लेम करना है वो नॉमिनी है, तो उनको नॉमिनी आईडी प्रूफ दिखाना रहेगा अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड द पर्सन जिनकी डेथ हुई थी. नोटराइज डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगेन जिनकी डेथ हो गई थी. इन केस ऑफ डेथ हैपेंड इन हॉस्पिटल, द डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड. एंड कॉपी ऑफ क्लेमेंट्स करंट एड्रेस प्रूफ, जो क्लेम लेने आया है उसको करंट एड्रेस प्रूफ भी चाहिए रहेगा. इन केस एक्सीडेंटल डेथ है तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दिस इज इन केस ऑफ अ नॉर्मल डेथ, या नॉर्मल जो जनरल प्रोसीजर्स रहते हैं. एक्सीडेंटल केस में आपको हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, FIR की कॉपी यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चाहिए, फाइनल रिपोर्ट ऑफ पुलिस चाहिए. इसके अलावा आपको चाहिए न्यूज़पेपर में यदि आपने कोई डिक्लेरेशन दी है या कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है जैसे लोग देते हैं, यू नो ऑबिचुरी टाइप कुछ ऐसा, वो भी चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द पर्सन अभी जिसकी डेथ हो गई है ड्यूरिंग दैट एक्सीडेंट ऑफ ड्राइविंग. ओके, इन केस ऑफ डेथ आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए अभी केस आउटसाइड ऑफ इंडिया है और आपने इंडियन कंपनी से क्लेम लेना है क्योंकि आपकी पॉलिसी वहीं से ही चल रही थी, तो आपको क्रिमेशन सर्टिफिकेट या जो आप बरी करते हैं वहाँ पे उसका ना एक सर्टिफिकेट मिलता है अब्रॉड में, वो आपको सबमिट करना रहेगा. एंड इफ और एक बरियल क्रिमेशन परमिट भी होता है वहाँ पर, आप सर्टिफिकेट वो भी सबमिट करेंगे. और जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं काउंटर पे या ईमेल करते हैं अपने इंश्योरर को, तो आप ज़रूर इससे एक रिसीट लीजिए एक्नॉलेजमेंट की कि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. ऑलराइट, डिस्प्यूट कहाँ कहाँ आता है क्लेम सेटलमेंट में, वो ये आता है जब आपकी इसमें से कोई कागज़ पूरे ना हो, या आपने, मैं गलत शब्द यूज़ करने जा रही हूँ, जुगाड़ फर्जीवाड़ा किया हो, यानी कि ऑलरेडी पर्सन डेड था, आपने उसकी झूठी पॉलिसी फाइल कर दी फॉर एक्स वाई जेड रीजंस बेस्ट टू यू. सो इसलिए मैं कई बार ये भी सजेस्ट करती हूँ कि व्हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज नॉट अ गुड वे टू डिसाइड वेदर अ कंपनी इज गुड और बैड. मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और मेरे पास 100 क्लेम्स आए, ऑलराइट, 100 क्लेम्स जब आए मेरे पास उसमें से हो सकता है 90 सही हों, 10 गलत हो, 10 गलत सेंस वही फर्जी वाला जिस पर आपको बताया, 10 गलत हो, तो यानी कि मैं तो ठीक हूँ ना अपनी जगह, मैंने तो उन 90 लोगों को क्लेम्स दिया ना जिनके जिनके फाइल पूरी थी, यानी कि जिनके कागज बिल्कुल सही थे, और 10 जो मेरे पास गलत है उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो मेरा क्लेम रेशो कितना हो गया, ऑटोमेटिक 90/100 हो गया. मान लीजिए यही जो गलत केसेस मेरे पास 10 आए और 10 के ना बजाय 2 आए, तो मेरा क्लेम रेशो कितना हो गया, 98. मान लो ज़्यादा आए और ज़्यादा आए तो 87 हो गया, 85 हो गया, 80 हो गया. तो जो कंपनी क्लेम करती है भाई हमारा क्लेम रेशो बहुत अच्छा है, वो बेचारी की मजबूरी है कि वो 100 लिख नहीं सकती, नहीं तो बस चलो वो 100 लिख दे, लेकिन एक तो ये रीज़न है कि 100 नहीं लिख सकते क्योंकि देर आर सम इश्यूज इन्वॉल्व. दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया कि जेन्युइन इशू है, कि कई बार फर्जीवाड़ा भी होता है. एंड तीसरा है कि कौन सी कंपनी कितनी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि दे आर नॉट लीनियंट, तो एक तरीके से मैं उनके फेवर में हूँ क्योंकि एक स्ट्रिक्ट टीचर ही आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं. लीनियंट टीचर्स होते हैं, अगेन मैं किसी के कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती, बट एक लीनियंट टीचर कैन नॉट हेल्प यू ग्रो सो मच जितना एक स्ट्रिक्ट टीचर आपको हेल्प करता है, आपकी छोटी छोटी क्रिटिसाइज जब करता है कोई कमियाँ, तो उस हिसाब से भी क्लेम रेशियो ऑफ अ कंपनी इज नॉट अ गुड फैक्टर टू डिसाइड कि भाई ये क्लेम ये कंपनी अच्छी है या बुरी है. ऑलराइट, इट इज़ ऑल डिपेंड्स कि कौन से एरिया से आ रहा है. मान लीजिए नेगेटिव एरिया से एप्लीकेशन आई है,
ऐसे एरिया से एप्लीकेशन आई है जहाँ पर जनरली झूठे केसेस ही आते हैं, तो डिक्लाइन होते हैं, मॉरल हैज़र्ड रिपोर्ट में आ जाते हैं, एमएचआर में आ जाते हैं. देन ऑलरेडी मैंने आपको बताया डिसीज है पर्सन, उसके आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं. अच्छा, पर्सन अलाइव है लेकिन आपने उसकी यू नो फोटो पैन कार्ड में कुछ फर्जीवाड़ा किया है, एंड यू नो अगर हम झगड़ा में देखते हैं तो ये जो मुझे भी नहीं पता होंगे लेकिन आप लोग निकाल लेंगे. तो सो जस्ट बी केयरफुल, एंड दिस इज द सेशन ऑन व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लेम सेटलमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस. कोई कंपनी ऐसा नहीं है जो सच्चा क्लेम रिजेक्ट करती है. आजकल तो सुसाइड एंड मर्डर भी इंक्लूडेड होते हैं, उसको भी क्लेम मिल रहा है अंडर सेक्शन 45, तो आप वो ज़रूर पढ़िए. ऑलराइट, और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो अपनी दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. ठीक है, ओके.